जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सबको जय श्री राम। अयोध्या में ये सब चीजें आप लोगों ने तो देखी होगी, लेकिन एक चीज नहीं देखी होगी, वो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप अयोध्या गए होंगे तो वहां पर कुछ चीजें नोटिस की होंगी कि ये जो मीडिया वाले थे ना, गजब के भाई, क्या इनका दिमाग था। इनका दिमाग तो ऐसा लग रहा था ना फ्रेंड्स, ये ब्लॉग बनाने के लिए मजबूर हुआ हूँ। ये ब्लॉग केवल मजबूर के कारण बनाया गया है, मजबूरन बनाया जा रहा है ये ब्लॉग। बिकॉज रीजन इज फ्रेंड्स, ये जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं लता मंगेशकर चौक है, यहाँ पर ऐसी चीज देखने को मिली ना कि अगर आप देखोगे ना तो आपको भी हंसी आएगी। फ्रेंड्स देखिए, मीडिया लोकतंत्र का स्तंभ है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको बुरा लगे फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपको लगे आप कमेंट करना, लेकिन जो मेरी सोच है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। मेरी सोच जो कहती है फ्रेंड्स, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया एक निष्पक्ष के तरीके से काम करता है, लेकिन लता मंगेशकर चौक पर आपको जो अब नज़ारा दिखाने जा रहे हैं ना, आप ये नज़ारा देखकर समझेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। अभी तक टेलीविजन मोबाइल में देखा था, लेकिन आज खुद हकीकत में मैंने देख ली। फ्रेंड्स, जैसे हम लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद, तो देखिए ये देखने को मिला। देखिए, ये देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, कहते हैं अपने आप को, हमको नहीं पता। और क्या नाम है, हम नाम नहीं लेंगे, खुद देख लीजिए आप। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी आप जैसे देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा अचंभा लगेगा, आप खुद चौंक जाएंगे। देखिए, पूरी जो गाड़ी है अपनी न्यूज नेटवर्क के नाम से पूरी रंगीन है। जो कहते हैं ना रंगी पुती है, तो वही है, बिल्कुल सही है, अपना अपना हक होता है। लेकिन देखिए, हर एक लैंग्वेज में है पूरी गाड़ी पुती हुई है। अब आपको एक ऐसी सीन दिखाने जा रहे हैं ना कि आप भी कुछ ना कुछ कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए, बड़ा न्यूज नेटवर्क है, अच्छी बात है, हर जगह जो ब्रांड नेम है वो लिखा है। अब देखिए स्क्रीन पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लिखा है राम फिर लौटे हैं। कहाँ गए थे हमारे प्रभु राम? इतना मीडिया के द्वारा इस तरीके का ये सब लिखना और इस पोस्टर को चिपकाना अपनी गाड़ी पर, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज है। चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, लेकिन मीडिया वो चीज है जो हर किसी की बात को अपने डिबेट में सवाल करने का, प्रश्न पूछने का, और जो जिनका कोई सहारा नहीं उनको सहारा देने का एक चौथा स्तंभ ऐसे नहीं बनाया मीडिया, चौथा स्तंभ कहा जाता है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जरूर कमेंट करना अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आ रहा, तो कुछ भी जैसा लगे कमेंट करना इस वीडियो में। लेकिन मुझको ये देखकर अच्छा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इनके जो पत्रकार लोग थे ना, वो भी ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे, बताइए प्रभु के बारे में पूछ रहे थे, और बार बार यही कि प्रभु तो आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ खुद उल्टा मीडिया से कि प्रभु गए कहाँ थे। अरे वो सही है कि हमारे प्रभु राम जी का मंदिर जो आज से कुछ समय पहले कुछ मुगलों ने हमारे प्रभु के मंदिर को तोड़ा था, तो आज हमारे प्रभु मंदिर में फिर से आ गए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इस तरीके से मीडिया को ये दिखाना कि प्रभु फिर आ गए, मैं समझता हूँ कि मेरे भगवान का भी अपमान है, मैं ये समझता हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स।